ब्रह्मोत्सवम्। जनों, अभी पंचम दिवस पर पालकी उत्सव सेवा संपन्न होने भक्त जनों पालकी सेवा आज माता की संपन्न हो रही है। शोभा यात्रा में माता पलकी पर विराजमान होकर के भक्तजनों के बीच आ रही हैं और थोड़ी ही देर में माताजी को त्रिवीथियों में शोभा यात्रा में आप सब लोग देखने वाले हैं। देखिए माताजी का शिखर, जिससे कि भक्ति भावना बढ़ती है शिखर दर्शन से भी, और सप्त कलशों से विराजित इन मंदिर की विशेषता कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर में शिखर मानव को उन्नत शिखर तक ले जाने की ओर रास्ता दिखाने वाला होता है, और आज हम माताजी को कुछ ही देर में वाहन मंडप में जो अलंकार किया गया है उसके साथ आने वाली हैं। पूजिता श्री पद्मावती, पद्मनाभ प्रिय श्री पद्मावती, पद्म सरोवरी श्री पद्मावती, पद्मासन स्थित श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती, जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। पद्ममालाधर श्री पद्मावती, पद्मालंकृत श्री पद्मावती, पद्महस्ता श्री पद्मावती, पद्मसुंदरी श्री पद्मावती। कांतस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिस्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादि सुरव्रज सदयित स्वद्दा सदासी गणः श्रीरित्येव जनामते भगवति ब्रूमकथं त्वा वयम् श्रीरित्येव जनामते भगवति ब्रूमकथं त्वा वयम्
पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। हम महालक्ष्मी का नमस्कार करते हैं। पद्मासन स्थिते, पद्मासन पर बैठी हुई हैं, परब्रह्म स्वरूपिणी है और परमेश्वरी है, जगन्माता है। इन शब्दों में जो विशेषता देवी की उद्घोषित हो रही है वह ध्यान देने योग्य है। यद्यपि पद्मासन स्थित होने के बाद मनुष्य में एक प्रकार का केंद्रीकृत भावना का विकास होता है और इस विकास में हम निश्चित रूप से निश्चल रूप में बैठ करके हम अपने को, अपने हृदय को, मानस को संशोधित करते हैं। और जगन माता है, इस जगन माता के संदर्भ में अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम में उनको आदि लक्ष्मी के रूप में देख करके, भावित करके जो बात कही गई है हम सब लोग जानते हैं, लेकिन गौर नहीं करते। उन्होंने कह दिया है सुमनसवंदिता सुंदरी भाव माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण मंडित मोक्ष प्रदायनि मंजुल भाषिणि वेदनुते पंकजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी सदा पालय माम। हम ऐसे महाशक्ति के साथ पालित होना चाहते हैं, ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में रखना चाहते हैं जो सुमनस वंदिता, अच्छे मन वालों के द्वारा वंदित होती है। अच्छा मन किसका होता है? पुनः मनुष्य के पास ही आता है। मनुष्य का मन सुंदर होना चाहिए। सुंदरी आकृति आकर्षक है। माताजी का आकर्षण, माताजी का सौंदर्य, सर्वाभरण विभूषिता माता जिस रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है उसको देख करके हम बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं और उसके आकर्षण में हम क्षणों को भूल जाते हैं। चंद्र सहोदरी, चंद्रमा की सहोदरी है। हम जानते हैं चंद्र सहोदरी कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर इसे क्षीर समुद्र मंथन में चंद्रमा के साथ उपजी हुई है महालक्ष्मी देवी। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अपनी शक्ति से समस्त औषधों को अपने अपनी शक्ति प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में हमारे वैज्ञानिकों ने स्थापित कर दिया है। तो इस चंद्र सहोदरी है तो मन की जो भी क्लिष्टताएँ हैं, जो भी वक्रताएँ हैं, उन सबको ठीक करने के लिए जो औषध चाहिए उन सबको देने वाली माता है। हेममयी स्वर्ण कांतियों में प्रकाशित होने वाली है। मुनिगण मंडिता, मुनियों के समूह से हमेशा घिरी रहती है। मुनि कौन है? जो ज्ञान के अन्वेषण में मौन रह करके मौन रूप में अवधारणा के लिए एक चित्त से, एक मन से आराधना करने वाला और उनके ज्ञान प्राप्त। लक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। रामायण स्मद्गुरो भगवतो जय नन्द रामार्जुन प्रपद्ये माता पिता युवते अस्तनया विभूति
ಸಾರೆ ಸಾರೆ ಪತಿನೇಲ ಸಾಧಿಂಚ
చెనకులు కడునైతే చిమ్మిరేగుదిట్టెల్లా పెనగబోతే నట్టే బిరుదెక్కును చెనకులు కడునైతే చిమ్మిరేగుదిట్టెల్లా పెనగబోతే నట్టే బిరుదెక్కును కినిసి ఈతని నేల కెరలి తిట్టేవే కినిసి ఈతని నేల కెరలి తిట్టేవే నీపై మనసి పిక్కటిల్లి ఈ మగువల తెచ్చెను కినిసి ఈతని నేల కెరలి తిట్టేవే నీపై మనసి పిక్కటిల్లి सरोज हस्ते धवल तरांसुक गंध माल्य शोभे भगवति हरिबल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मस्जम। आज भगवती पद्मावती का पालकी उत्सव है, पल्लकी उत्सव कहते हैं, और इस ब्रह्मोत्सव में इस उत्सव का बहुत ही महत्व है। कार्तिक मास में यह ब्रह्मोत्सव भगवती का पद्मावती का मनाया जाता है। दूर दूर से भक्त आए हैं और इस क्षण में भगवती का दर्शन कर रहे हैं। आज प्रभात बेला में पल्लकी उत्सव का दर्शन कर रहे हैं और पल्लकी पर भगवती विराजमान है। पालकी हमारी संस्कृत में बहुत दिनों से ये चल रहा है। साक्षात भगवती भी इस पालकी पर बैठी है, इसीलिए आज की वधुआ भी आज जो होती है सो पल्लकी पर जाती है, ससुराल जाती है, तो आज भगवती साक्षात पद्मावती जगत जननी पालकी पर बैठी है, माँ बैठी है आज पालकी पर। और देखिए सफाई कर रहे हैं, भक्त लोग दूर दूर से आए हैं और पवित्र कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। स्वच्छता जो है सो ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। स्वच्छ भीतर बाहर हमें स्वच्छ रहना चाहिए, आत्मा स्वच्छ रहना चाहिए, मन स्वच्छ रहना चाहिए, बाहर स्वच्छ रहना चाहिए, यही तो हमारा दर्शन है। और सारे पाप को धोने के लिए हम ब्रह्मोत्सव हो रहा है, सारे पाप को दूर करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह सारे इस ब्रह्मोत्सव में भगवान की इतना भगवती का इतना स्मरण करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, जो सारे बह जाते हैं, हमारे काम क्रोध मोह सब हट जाते हैं। तो ये आज जो है भक्ति गंगा का तरंग है, यहाँ पर भक्ति गंगा बह रही है, इसमें सब डुबकी लगा रहे हैं। देखिए पालकी पर क्या भाग्य है, भगवती को पद्मावती को पालकी पर ले जा रहे हैं और कंधे पर रखे हैं और ले जा रहे हैं भक्त लोग, कितना बड़ा पुण्य के भागी बन रहे हैं और साक्षात पुण्य के भागी बन रहे हैं जो इसमें कंधा लगा रहे हैं, भगवती को अपनी मैया को अपने कंधा पर उठा रहे हैं, वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। इसको जो दर्शन करते हैं वो भी बड़ा भाग्यवान है। इसको दर्शन करने से, ऐसे क्षण में भगवती के दर्शन करने से
बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। आगे में भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वेद पाठ करते वेद स्तुति के द्वारा भगवती को रिझाते हैं, खुश करते हैं, और स्मित वदना होकर के पद्मावती अपने भक्तों के बीच में विचरण कर रही हैं। साक्षात पद्मावती बाहर आ गई है, भक्तों पर अनुग्रह कर रही है, अपनी कृपा कटाक्ष बरसा रही, कृपा की वृष्टि कर रही है। आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ब्रह्मोत्सव का अर्थ ही यह होता है, जो अंधा है, जो बधिर है, जो अज्ञानी है, जो शास्त्र नहीं जानता, योग तप ध्यान मंत्र तंत्र नहीं जानता है, वो इस समय में केवल भगवती के दर्शन से उस पुण्य का भागी बन जाता है। देखिए थिरक रही है, नृत्य कर रही है, बालाएँ नृत्य कर रही है, कितना आनंद है, आनंद आनंद की वर्षा यहाँ हो रही है, भक्त की गंगा बह रही है। कोई भगवती बन गया है तो कोई भगवान बन गया है, और लड़कियाँ हैं, बालाएँ हैं, झूम रही है, झूम रही। भगवती को नृत्य बहुत ही पसंद है, गीत नित्य नाद और वाद्य, इन सबों के द्वारा भगवती को प्रसन्न किया जा रहा है। देखिए नृत्य कर रहे हैं बच्चे लोग, नृत्य कर रहे हैं और कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो तरह तरह की क्रियाओं के द्वारा, तरह तरह के नृत्य के द्वारा, गान के द्वारा, वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर यह अवसर है, कितना सुंदर पुण्य का समय है। इस समय में आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से भगवती का दर्शन करिए। भगवती के दर्शन मात्र से जैसे प्रकाश के सामने अंधकार दूर हो जाता है, सत्यभाम सरसभुनगवु सत्यभाम सरसभुनगवु नित्यमु हरिमदिने नीलवाय सत्यभाम सरसभुनगवु नित्यमु हरिमदिने नीलवाय सत्यभाम सरसपूनगवो सत्यभाम सरसपूनगवु नित्यमु हरिमदिने नीलवाय सत्यभाम सरसपूनगवु
सत्य भाव सरसवु नगवु नित्यमु हरि मदिने नेलवाय सत्य भाव सरसवु नगवु मनस बंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममय मुनिगण बंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भासिनी बेदिनुते पंकज वासनी देव सुपूजित सदगुण वर्षिनी शांति युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम आदि लक्ष्मी परिपालय माम अय कलि कलमस नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमय अय कलि कलमस नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमय क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अंबुज वासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान लक्ष्मी परिपालय माम जय बरबर्षिनी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी बे मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासनी शास्त्र नुते भव भय हारणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे महिसूदन मधुसूदन कामिनी जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते
हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम। गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम। अय खगवाहन मोहन चक्रण राग विवर्धिन ज्ञानमय गुणगन बारिध लोक हितैषिन सप्त स्वर भूषित गान नुते। सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव बंदित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय माम। जय कमलासिन सदगत दायनी जय कमलासिन सदगत दायन ज्ञान विकासिन गानमये। अनुदिन मर्चित कुंकुम धूसर भूषित बासित बाद्यनुते। कनक धरास्तुत वैभव बंदित शंकर देशिक मान्य पदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय माम। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवि शोक विनाशिनी रत्नमये। मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे। नवनिधिदायनी कलिमलहारिणी कामित फल प्रद हस्तयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। धिम धिम धिन धिम धिन धिम दिन धिम दुन दुम नाद सुपूर्णमये। घुम 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 शंख निनाद सुवाद्यनुते। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान लक्ष्मी रूपेण पालय माम। अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विष्णु वक्षस्थलारूढ़े भक्त मोक्ष प्रदायिनी। शंख चक्र गदा हस्ते विष्णु रूपेण तेजयः। जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलम शुभमंगलम। श्री पद्मावत्ये नमः। श्री पद्मावत्ये नमः। श्रीयै नमः। श्रीयै नमः। जगज्जनन्यै नमः। जय जगन्माता। जय पद्मावती। जय मां पद्मावती।
पालकी पर भगवती विराजमान है। कार्तिक मास में ब्रह्मोत्सव हो रहा है। आज देखिए दूर दूर से भक्त आए हैं, भगवती का दर्शन कर रहे हैं। देखिए वैष्णव लोग वेद मंत्रों के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। सारे जो वैदिक लोग हैं, सारे जो वैष्णव लोग हैं आकर के भगवती की अर्चना कर रहे हैं, वेद मंत्रों के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवती पालकी वाहन पर निकल गई है, अपने भक्तों के ऊपर कृपा की वृष्टि कर रही है, दया की दृष्टि दिखा रही है, करुणा कटाक्ष दिखा रही है। तो आज आप जहाँ कहीं पर हैं भगवती का स्मरण करिए। बहुत ही भाग्य से जिसको बहुत बड़ा भाग्य होता है, जिसके ऊपर भगवती का अनुग्रह होता है, वही भगवती में अपना ध्यान कर सकता है, वही भगवती की अर्चना कर सकता है। भगवती का जो प्रसाद है वही है भगवती की भक्ति। भगवती का बहुत बड़ा प्रसाद है भगवती की भक्ति। ये जगत जननी है, जगत जननी है और संसार की रचना करने वाली है, संसार की पालन करने वाली है, संसार का अंत करने वाली है। ये जगन माता है, ये जगत जननी है, जगत की माता है। इनकी कोई माता नहीं होती है, ये स्वयं संसार की आदि मध्य अंत तक रहने वाली जगन माता है। जगत की सृष्टि करने वाली है और जगत का पालन करने वाली है। वैष्णवी है, कमला है, लक्ष्मी है, अनेक नामों से इनको पुकारा जाता है। इसलिए लक्ष्मी को आप स्तोत्र करिए, लक्ष्मी का पाठ करिए, लक्ष्मी का ध्यान करिए। सारे देवता, गंधर्व, मनुष्य सभी लोग लक्ष्मी, महालक्ष्मी का ध्यान करते, महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं, कृपा पाते हैं। देवता भी तपस्या करते हैं लक्ष्मी, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। विष्णु भी प्रसन्न करने के लिए विष्णु ने भी तपस्या किया है। तो इसीलिए नारायणी में, नारायण में कोई अंतर नहीं है। नारायणी कहते हैं जो विष्णु के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का वास रहता है। और ये है, जब तक लक्ष्मी की प्रसन्नता न हो, लक्ष्मी की कृपा न हो, तब तक विष्णु को आप प्रसन्न नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु का अनुग्रह पाने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी का अनुग्रह पाना आवश्यक है। देखिए भक्त लोग दूर से आए हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गान गा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तरह तरह से भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवती की अर्चना कर रहे हैं। तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा, तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवती माँ जगन जगदम्बा है, जगदम्बा है, जगन माता है, प्रकृति रूपिणी है और ये संसार का को उत्पत्ति करने वाली है, संसार का पालन करने वाली है। आज भक्त वत्सला, आज पुत्र वत्सला अपने पुत्रों के बीच में, भक्तों के बीच में निकल गई है। और देखिए जिसके ऊपर भगवती का अनुग्रह होगा, रोग शोक दुख दारिद्र कभी उसको स्पर्श नहीं करेगा। ये देखिए बच्चे कितने अच्छे भाग्य हैं इनके, कितना भविष्य, क्या इनका पुण्य कमाया हुआ है जो आज भगवती के सामने आकर के नृत्य कर रही है, भगवती का अनुग्रह पा रही है। इन बच्चियों को देख करके हमारा भाग्य अच्छा होता है, हमें भी पुण्य मिलता है। तो इस समय में हम भगवती को देखें, भगवती को भक्त को देखें और पुण्य का लाभ उठावें। ये कार्तिक मास है, पुण्य मास है। पुण्य मास में ब्रह्मोत्सव है, ब्रह्म उत्सव होता है। खूब जोर से उत्सव करना, बहुत आनंद, ब्रह्मानंद को प्राप्त करना। तो योग तपस्या अत्यंत काम, ये अधिक जो काम है सो बहुत कठिन है। इसीलिए केवल ब्रह्मोत्सव में भगवती के दर्शन करने से उस पुण्य का हम भागी होते हैं, जो हम मंत्र जाप से, वेद स्तुति से, तपस्या करने से, योग तप ध्यान इत्यादि के द्वारा जो हम पाते हैं, वो केवल भगवती के एक बार दर्शन करने से उस पुण्य का हम भागी बन जाते हैं। देखिए भगवती आज निकल गई है पालकी वाहन पर और पालकी को उठाए हुए हैं बड़े बड़े जो भाग्य वाले हैं, क्या पुण्य कमा रहे हैं। ये पुण्य का जो उसको पालकी को स्पर्श करता है वो बड़ा पुण्य का भागी होता है। आज जगदम्बा, जगन माता, साक्षात महालक्ष्मी निकल गई है। सारी देवता, देवी देवताओं का जो एक रूप होता है वो महालक्ष्मी है, नारायणी है। और वही नारायणी नारायण हो जाती है। नारायणी में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। जब नारायणी है वो कभी नारायण हो जाती है, नारायण ही नारायणी बन जाती है। देखिए साक्षात नारायणी है, पद्मावती है, विष्णु प्रिया है, कृष्ण प्रिया है, इनके अनेक नाम से इनको पुकारा जाता है। संपत्तिदायिनी है, धैर्यदायिनी है, विजयदायिनी है, लक्ष्मीदायिनी है, श्रीदायिनी है, इनके अनेक नामों से इनको पुकारा जाता है। तो इसीलिए आज आप इनका स्मरण करिए, इनका ध्यान करिए। ओम प्रकृत्यै नमः, विकृत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूतहित हितप्रदायै नमः, ओम श्रद्धायै नमः, ओम विभूत्यै नमः, ओम सुरम्यै नमः, ओम परमात्मिकायै नमः, ओम पद्मालयायै नमः, ओम पद्मायै नमः। Thank you.
जनों विभिन्न कलाकारों के साथ किस प्रकार से दिव्य नृत्य घोषित हो रहे हैं इस महान तीर्थ यात्रा में, शोभा यात्रा में भक्तजन अपने हृदय की कलाओं को व्यक्त कर रहे हैं माता जी के सामने। माता के संबंध में हम क्या कहें। और यहाँ पर अनुमाचार्य जी के एक कीर्तन है, एक पद है, इस पद में उन्होंने हरि के साथ हर श्रीमती देवी, श्री देवी का भी रूप सम्मिलित होने के कारण उसको याद कर लेना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने कहा है, सब व्यथाओं की परम औषधि विष्णु नाम ही विमल औषधि। सब व्यथा, जितने भी कष्ट हमारे सामने हों, उन सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र औषध, दवा क्या है? नाम स्मरण। नाम स्मरण ही विमल औषधि है। किसी प्रकार में इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है, शुद्ध औषधि है। और वो किन किन के लिए चाहिए? चित्त शांति के लिए श्रीपति नाम,
चित्त शांति के लिए श्रीपति नाम, चित्त को शांति चाहिए श्रीपति का नाम चाहिए। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं चित्त शांति के लिए श्री सती नाम, लक्ष्मी देवी का नाम लीजिए। चाहे लक्ष्मीपति का नाम लीजिए या लक्ष्मी देवी का नाम लीजिए, आपको चित्त की शांति मिलेगी। सही निज दिव्य औषधि है, चित्त की शांति के लिए सही निज दिव्य औषधि है। खास करके इसके समान दवा और कोई नहीं हो सकती। चित्त की शांति चाहते हैं आप, ओम पद्मावती देवी नमः, ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः, ये जप कीजिए, जप से ही सिद्ध चित्त को शांति मिलेगी। समस्त बंध विमोचनों के लिए चित्त जगुरु ही सिद्ध औषधि। समस्त बंध विमोचन, हम हर वस्तु के साथ, हर जीव के साथ हम बंधन मानते हैं। इन बंधनों में फंस करके हम अपने आप को क्लिष्ट परिस्थितियों में डाल लेते हैं। उनसे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आप नाम लीजिए भगवती का। भगवती आज मोहिनी अवतार में है, अमृत कलश हाथ में है। हम जानते हैं मोहिनी अवतार में विष्णु ने स्वयं ने अमृत दिया था किनको, देवताओं को, माने दिव्य मन वालों को अमृत दिया था। और जिनका मन दिव्य नहीं है, जिनका मन पवित्र नहीं है, उनको औषधि, अमृत औषधि प्राप्त नहीं हो सकी। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। तरह तरह के भव रोगों के लिए हरिपद जल ही दिव्य औषधि हम तीर्थ के रूप में लेते हैं। ये तीर्थ हम किसे लेते हैं? हरिपद का, पदों को धो करके उनसे मिला हुआ अमृत हरिजल है, हरिपद जल है, उनको स्वीकार करते हैं। और इसी प्रकार से पद्मावती माता के पद पंकजों से उभरने हुए जल को हम लेते हैं। यह दिव्य औषधि है भव रोगों के लिए। भव रोग का मतलब शारीरिक रोग ही नहीं है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने से आने वाले सभी संकटों के साथ उत्पन्न होने वाले मानसिक रोग जो है, उनके लिए तीर्थ बहुत ही उपशमनकारक है। ऐसे तीर्थ को लीजिए। और ये कहाँ मिलता है? और इसीलिए हमेशा भक्तों से कहते हैं, आप मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने से क्या मिलता है? तीर्थ मिलता है, पद जल मिलता है। पदाम्बुजों को हम स्वीकार करते हैं और उनसे मिले हुए तीर्थ को स्वीकार करते हैं। और देवी या देवता को अर्पित जो प्रसाद है उसे लेते हैं। ये सब दिव्य औषधियाँ हैं, दुष्ट कर्मों का निवारक है। ये नाम जो है दुष्ट कर्मों का निवारक है। हनुमाचार्य जी ने क्या सोचा है, हम लोगों को क्या बताया है, उन सबको जानने के लिए ही हम ऐसे यात्राओं में आते हैं और उन सारे विषयों को जानने का प्रयास करते हैं। जान करके हम क्या करते हैं, मुरहरि पूजा मुख्य औषधि। उन्होंने कहा है पूजा करना है, मुरहरि की पूजा, श्री पद्मावती देवी की पूजा। इन पूजाओं से क्या मिलता है, हमें दुष्ट कर्मों से दूर कर देता है। अगर कोई भी किसी प्रकार से जाने अनजाने में कुछ दुष्ट कर्म भी हमसे हो गए हों, उनसे मुक्ति के लिए आवश्यक है भगवान की प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना। यह पर जगत में इंदिरा विभुका आनंद से भजन ही औषधि है। यह में यहाँ पर भी, पर में, अगर पर लोक में भी जाए, जहाँ कहीं भी रहें, यह पर दोनों जगह पर इंदिरा और इंदिरा विभु दोनों का, लक्ष्मी और लक्ष्मी विभु लक्ष्मीश दोनों का भजन भजन कीजिए। भजन क्या, भजन में क्या होता है, सामूहिक ढंग से बैठ करके हम आत्म आनंद के साथ भक्ति में विभोर होकर के पदगात करते, पद गीत आलापन करते हैं। और इन गीतों के आलापन से हमें स्पष्ट
हमारा जो मानसिक कष्ट है वो दूर हो जाता है, अर्थात वह हम उन कष्टों से मुक्ति पाते हैं। कोई भी रोग हो उस रोग से मुक्ति पाते हैं। लीजिए वेंकटेश्वर और श्रीदेवी और भूदेवी से संयुक्त रूपों में कुछ कलाकारों ने अपना रूप हम पर अवतरित किया है। पीछे डांडिया नृत्य खेलने वाली महिलाएं, बच्चे सब जो है यहाँ देखिए वृंद अर्थ जो यहाँ पर क्षण क्षण पर हमें मंत्र युक्त तो रूपों से भक्तों को आकर्षित करने वाला सेवक वृंद भी वहाँ पर हैं। और खास करके इस विभव में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रखने की बात है, जियर स्वामी जी अपने शिष्य वृंद के साथ पग पग पर जो है मुक्तिदायक स्तुति करते रहते हैं, सात्वमुरय देते रहते हैं।